हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋतिक है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं आज आपके सामने एक छोटी सी पोइट्री लेकर आया हूँ। पोइट्री से पहले मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा, उसके बाद मैं पोइट्री पर आता हूँ। कि एक वक्त था जब मैं सबके सामने रो दिया करता था, एक वक्त था जब मैं सबके सामने रो दिया करता था, अपना हर एक दर्द सबको बोल दिया करता था। क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरा साथ निभाएंगे, क्योंकि मुझको लगता था कि वो मेरा साथ निभाएंगे, पर मेरे को और ना ही मेरे दिल को पता था कि वो सब मेरा मजाक बनाएंगे। अब मैं अपनी पोइट्री पर आता हूँ कि कदर नहीं है किसी को तेरी, तू सबकी कदर करता है। फिक्र नहीं है किसी को तेरी, तू सबके लिए मरता है। इंतजार भी तू उसका करता है, जिसके आने ना जाने की कोई खबर है, क्या उसे सच में तेरी कदर है? एक बार खुद से पूछ सोच जरा, क्या वो आता नहीं है अगर उससे तुझसे प्यार होता? फिर अब अगर प्यार होता है ना, तो प्यार में दूरियां आ जाती है, मजबूरी आ जाती है। असल में होता कुछ नहीं है, वो सिर्फ बहाने होते हैं दूर जाने के। तो इसलिए प्यार में दूरियां होती है, मजबूरियां होती है। प्यार में दूरियां होती है, मजबूरियां होती है, पर जहां प्यार सच्चा होना, वहां दूरियां भी मिट जाती है, मजबूरियां भी मिट जाती है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक शब्द नहीं बोला जाता, पर एक बात समझ में आती है। शुक्रिया।